शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल मिलाकर 60% मतदान हुआ। हालांकि नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन इस क्षेत्र के 4,00,000 मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं पहुंचा। यहां तक कि पूर्वी नागालैंड के 20 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी वोट देने नहीं आए। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 738 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। शुक्रवार को नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए भी मतदान हुआ। इसके लिए 57% वोटिंग हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 83% थी, यानी वोटिंग में करीब 26% की बड़ी गिरावट दिखी। लेकिन आखिर वोट क्यों नहीं पड़े? सवाल ये है कि आखिर इन 6 जिलों में मतदान क्यों नहीं हुआ? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की मांग पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले राज्य के पूर्वी हिस्से में शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन पूर्ण बंद लगा दिया। संगठन ने ये भी आगाह किया कि यदि कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदाता की होगी। इसी वजह से 4,00,000 मतदाताओं में से एक भी मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न नागा समूहों के लोगों से मतदान से दूर रहने का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला और किसी ने भी वोट नहीं डाला।